உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 9600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டங்களை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். கோரக்பூரில் 1000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, கோரக்பூர் உர ஆலை ஆகியவற்றை பிரதமர் இன்று திறந்து வைத்தார். கோரக்பூரில் திரண்டிருந்த மக்களிடையே பிரதமர் உரையாற்றினார். ये लोग कब से छोड़ चुके हैं, आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था, किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने